गुड मॉर्निंग बच्चे, असीं अशोक दे कलिंगा दे युद्ध का अगला टॉपिक करांगे। आपां पिछे पढ़ के आए कि अशोक ने जड़ा वा कलिंगा ते 261 ईस्वी पूर्व जड़ा वो हमला कीता सी, ते ए अशोक दा पहला अते आखरी युद्ध ही, मिच के उसने अपने जीवन काल विच सिर्फ एक ही युद्ध लड़िया ही, केड़ा युद्ध ही, कलिंगा दा। ते जिसका इस दे अशोक दे जीवन ते काफ़ी डूंगा प्रभाव पिया, उसके जीवन नू जड़ा इस युद्ध ने बदल के रख दिता सी, क्योंकि इस युद्ध विच बहुत ज़्यादा खून खराबा होया ही, जिस तों बाद उहदा जड़ा मन बहुत दुखी होया ते उसने जड़ा युद्ध करना जड़ा वो छड़ दिता है। हाँ, आपां पढ़ांगे ते की नतीजे निकले ही। सब तों पहला हैगा युद्ध नीति दी थां ते धर्म नीति नू अपनाउणा। अशोक ने की आ कि युद्ध करना जड़ा छड़ता, मिच के युद्ध नीति नू जड़ा उन्हें त्याग कर दिता, क्योंकि कलिंगा दे मैदान विच बहुत ज़्यादा जड़ा खून खराबा होया ही, खून दियां जड़ियां नदियां वग तुरियां ही, जिस पिछों अशोक ने जड़ा वा युद्ध नीति नू जड़ा हमेशा लई जड़ा त्याग दिता, तो उहदी थां ते उन्हें धर्म नीति नू जड़ा वा अपनाउंदिया होया किहड़ा धर्म ग्रहण किया ही, बुद्ध धर्म नू उन्हें जड़ा ग्रहण कर लिया ही। ठीक है बच्चे, इंपोर्टेंट आ लाइन कि अशोक ने जड़ा वा कलिंगा दे युद्ध तो बाद केड़ा धर्म ग्रहण किया ही, बुद्ध धर्म ग्रहण किया ही। सैकेंड पॉइंट आ बच्चे, बुद्ध धर्म का प्रचार। कलिंगा दे युद्ध तो बाद अशोक जड़ा ही उन्हें बुद्ध धर्म का प्रचार करना जड़ा वो शुरू कर दिता, क्योंकि वह बुद्ध धर्म जड़ा उन्हें मनना जड़ा पहला शुरू किया, फिर उन्हें जड़ा वो प्रचार वास्ते अपने पुत्र पुत्री होर जो प्रतिनिधि वह भी नियुक्त किए, जो वक् वक् थावां ते जाके भारत ते भारत तो बाहर भी जाके जड़ा बुद्ध धर्म का प्रचार करते, जिस नाल जड़ा भारत विच भी ते बुद्ध धर्म बाहर विश्व विच भी जड़ा पूरी तरह जड़ा फैल गया। अगे अगे बच्चे, अशोक दे व्यक्तिगत जीवन ते प्रभाव। कलिंगा दे युद्ध तो बाद जड़ा वा अशोक दे निजी जीवन ते भी जड़ा काफ़ी डूंगा असर पिया ही। युद्ध तो बाद अशोक ने किया शिकार खेडना, जिवें मांस खाणा, टिक्का युद्ध करनी, ये सारा कुछ उन्हें जड़ा वा उहदा त्याग करता, मिचको उन्हें गृहस्थी जीवन तो भी जड़ा दूर रहना आरंभ कर दिता है। अगे अगर बच्चे, धम्म की स्थापना। धम्म मिच के एक उन्हें नवा धर्म शुरू किया, धर्म मिच के जिहदे विच सिर्फ सिद्धांत ही, ठीक है, आपां टॉपिक अगे जड़ा डिटेल नाल करांगे कि उन्हें एक नवा धर्म जां नवे सिद्धांत जिहड़े आ उह शुरू कीते ही, ते इह जिहड़े सिद्धांत ही धर्म दे उह मानवता दी खुशहाली लई ही, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧੰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ, ਖੂਹ ਬਣਾਏ, ਜਾਤਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। लास्ट पॉइंट आ बच्चे, सामराज का विस्थार। ठीक है, कलिंगा के युद्ध तो बाद जड़ा वा, क्योंकि कलिंगा के युद्ध में अशोक की जित हुई, तो जित तो बाद अशोक ने इस राज नू अपने राज विच जड़ा वो मिला लिया ही, जिस करके अशोक के सामराज का विच वाधा होया ही, जां विस्थार होया ही, तो उसका सामराज हिमालय तो लैके पछम विच अरब सागर तक जड़ा वो फैल गया ही। हाँ जी बच्चे, थैंक यू।